न्यूज के प्रायोजक है द नेचर प्राइड रिजॉर्ट। रेन डांस, स्विमिंग, लॉजिंग, डाइनिंग, ये सब सुविधा द नेचर प्राइड रिजॉर्ट रावनवाड़ी में। कई वर्षों से करकापुर से सिले गांव का रास्ता खराब हो गया है। बारिश में ना गाड़ी, ना किसानों के बैलगाड़ियां और ना ही कोई भी प्रकार की वाहतुक आवाजाही नहीं की जा सकती है। ऐसे में ग्रामवासी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इसी के मद्देनजर पिछले साल भी संबंधित विभागों को निवेदन देकर ग्रामवासियों ने रोड के खराब होने की जानकारी दी थी और 35 लाख का रोड बनाने की अनुमति प्रशासन ने दी थी। बावजूद अब तक वो रोड नहीं बना है। उसी के मद्देनजर 30 अगस्त 2021 को तुमसर बपेरा मार्ग पर ग्रामवासियों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व ग्रामवासियों ने किया है। आज दिनांक 30 ऑगस्ट रोजी हरदौली रस्त्यावर करकापूर ते सिलेगाव रस्ता पूर्ण होण्यासाठी सर्व गावकरी, शेतकरी आणि संबंधित राजकर्ते लोक रस्त्यावर उभे आहेत। शासनाचे अधिकारी आले। वर्षभरापूर्वी या क्षेत्राचे पंचायत समिती सदस्य हिरालालजी नागपुरे यांनी त्या ठिकाणी आमरण उपोषण सुद्धा ठेवला होता। त्या ठिकाणी यांनी जो आश्वासन दिलेलं आहे वर्षभर लोटूनही त्या आश्वासनाची पूर्तता केलेली नाही। यानंतरही जे आश्वासन देतात ते फक्त लॉलीपॉप दिल्यासारखेच आहेत। त्यामुळे आम्हाला या ठिकाणी सर्व आंदोलनकर्त्यासह मी तुम्हाला साक्षीने सांगतो की जोपर्यंत लेखी पुरावा आमचा रस्ता पूर्ण होईल असा देणार नाही तोपर्यंत या ठिकाणाहून आंदोलनकर्ते बाजूला हटणार नाही। संबंधित चुरेसाहेब म्हणाले की आम्ही डेप्टी कलेक्टरकडे ही तुमची मागणी ठेवू। आता आमचे एवढे लोक डेप्टी कलेक्टरपर्यंत जाण्यापेक्षा साहेबांनी डेप्टी कलेक्टरला या ठिकाणी बोलवावेत आणि त्यांच्याकडून लेखी पुरावा घ्यावा की ही रस्ता आम्ही 2 महिन्यात म्हणा किंवा महिनाभरात म्हणा किंवा पूर्ण करून देतो। नाही तर मागच्या वर्षी आंदोलन झाला, आता आज झाला, आता आम्हाला उठले सुटले तेच धंदे आहेत का? इथल्या शेतकऱ्यांच्या चिखलात खोपून मरावा का? हा शासन दरबारी आमची मागणी आहे। ही मागणी जोपर्यंत पूर्ण होणार नाही, ती रस्ता पूर्ण करून देण्याचे लेखी आश्वासन जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही असे मी आजच्या प्रसंगी एवढ्या आंदोलनकर्त्यांसमोर सांगत आहोत। 20 मिनट बाद जब सभी किसानों ने रास्ता रोककर सभी गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया, उसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे। पुलिस प्रशासन तो पहले से ही वहां मौजूद था। तुमसर के तहसीलदार, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग उपविभागीय अभियंता चुरहे शाखा अभियंता चौधरी पहुंचने के बाद उन्होंने 1 माह के भीतर रोड का काम शुरू कर दिया जाएगा ऐसा लिखित आश्वासन आंदोलनकर्ताओं को सौंपा। उसके बाद यहां से आंदोलनकर्ता रवाना हो गए। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।